यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय ऑफिशियल रूम। आज मैं आप लोग को बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ कि शायद ही आपको काम आ जाए, ये काम आ सकती है आपकी लाइफ में अगर आपके पास वीवो का सेट हो, वीवो V1 का, और आप नहीं चाहते हैं कि आप 3 GB की फाइल डाउनलोड करें और अपने फ़ोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लाइक जैसे कि अगर आपका फ़ोन हैंग कर जाता है या फिर आपका फ़ोन लोगों पर ही अटक जाता है, तो आप उसे किस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपसे एक चीज़ और कहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस हैकिंग के बारे में भी होने वाली हैं, टेक्निकल नॉलेज के बारे में होने वाली हैं, और मोबाइल्स की तो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको पहले ये बता दूँ, जो ये मेरा वीवो का सेट है, मैंने इसका ढक्कन खोल रखा है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई थी जिसके कारण ये चालू नहीं हो रहा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने इसको बैटरी ढक्कन खोल दिया था। तो इसलिए मैंने पैकेटेड मैंने ऐसे ही दिखा दिया कि मतलब सिंपल तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपका जो फ़ोन है, जैसे कि मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन अटका हुआ है लोगों पर, जैसे कि अभी दिखा देता हूँ, चालू करता हूँ इसे। तो आप देखिएगा यहीं पर ये अटका रह जाएगा और बहुत ही देर तक ये अटका रह जाएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे कि ये आगे बढ़े, बस यहीं पर आके ये आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन मैंने निकाला है, आपको चिप में एक अपडेट फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने चिप में पहले से ही डाल रखा है क्योंकि मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए अब फ़ोन में इसको इंसर्ट करते हैं, क्योंकि ये तो चालू होने से रहा, तो इसके लिए मुझे बैटरी को निकालना होगा। ये देख सकते हैं आप, मैं बैटरी को निकालने वाला हूँ, ये देखिए निकाल दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसमें चिप लगानी है दोस्तों, चिप। ओ शिट, ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें सिम को इंसर्ट अपनी मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इंसर्ट कर लेते हैं। पहले इंसर्ट करने के लिए ऊपर देख सकते हैं आप, जैक है ये माइक्रो SD कार्ड का, तो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने अपने SD कार्ड को इंसर्ट कर दिया इसमें। अब मुझे क्या करना है, अपनी बैटरी को फिर से इंसर्ट करना है, मतलब बैटरी लगानी है। लगाने के बाद अब फ़ोन के वॉल्यूम अप वाले बटन को और पावर की बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ अभी, देखिएगा आपको। जैसे मैंने पावर की बटन एंड वॉल्यूम बटन दोनों को एक साथ प्रेस करूँगा। अब जैसे वाइब्रेशन होगा, आपको वॉल्यूम डाउन पावर की बटन को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप वाला बटन प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं आपका ये रिकवरी मोड खुल चुका है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी जो बैटरी है वो गड़बड़ कर, वैसे तो मेरा तो ढक्कन खुला हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है, पर आपका ढक्कन नहीं खुला होगा। तो चलिए अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन करिए, यहाँ देखिए लिखा इंस्टॉल एंड अपडेट, ओके। ओके करने के बाद आपको SD कार्ड पर जाना है एंड ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी फाइल्स शो कर रहा है, पर आपको यहाँ देख सकते हैं आप वीवो V1 मैंने एक फोल्डर बनाया था उसमें जाना है। चले जाते हैं, अब इस पर क्लिक कीजिए, ओके। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक zip फाइल है, उसको हमें इंस्टॉल्ड करना है, zip फाइल को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए वॉल्यूम डाउन का बटन एंड ओके। तो ये देखिए जो हमारा पैकेज है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है दोस्तों, तो उसको हम इंस्टॉल होने देते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब ये देखिए स्क्रिप्टिंग एंड इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो ये इंस्टॉल्ड हो गई, अब हमें क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको। ओके करिए पहले, जब आप इंस्टॉल कर लें तो इसको बैक कीजिए। अब आपको स्वाइप डेटा में जाना है, और ओके करना है, और देखिए आपको दोनों को दोनों स्वाइप कर देना है। यस, तो ठीक है गाइस, मैंने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मैंने ये वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोका था बीच में, और मेरे में इसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि जब मैं इसको स्वाइप डेटा कर रहा था तो फ़ोन थोड़ा हैंग कर गया था, रुक गया था। तो उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उस समय उसको मिनिमम 15 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है, तो मैंने वो टाइम नहीं दिया था इसको, और मैंने इसकी बैटरी निकाल दी थी, तो जिसकी वजह से ये रिकवरी मोड पर अटक रहा था। पर एक दो बार रीस्टार्ट होने पर ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पर आया, और ऑटोमेटिकली ये सेट मेरा ऑन हो गया। तो चलिए, मैं ये प्रोसेसर मैं रिकॉर्ड तो किया नहीं है मैंने जो मैं आपको दिखा सकूं, तो इसलिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है पूरी तरीके से। तो आप इस प्रोसेसर के थ्रू अपने फ़ोन को पूरी तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सेटअप करते हैं। नेक्स्ट कीजिए, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, एक बैक कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, नेक्स्ट स्किप, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड स्टार्ट। सो नाइक नाउ गाइस, आपका जो फ़ोन है वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फ़ोन था वो पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। तो आप इस तरीके से अपने फ़ोन को पूरी तरीके से ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।